तो प्रेमी श्रोता कुछ नजर नहीं आता है। वो कलयुग महाराज अपनी परीक्षा राजा नल की परीक्षा ले रहे हैं, तो प्रेमी श्रोता एक तीतरों का झुंड दिखाई देता है। तो रानी दमयंती कहती है कि महाराज अगर इस वन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इन तीतरों को पकड़ कर लाइए, इन तीतरों को भूंज करके हम अपनी भूख में डालेंगे, इनका भोजन इन्हीं से कर लेंगे। प्रेमी श्रोताओं जैसे ही राजा नल तीतरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी धोती को खोल करके तीतर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो तीतर धोती को लेकर के उड़ जाते हैं। दादा लक्ष्मीचंद जी ने चार कलियों के माध्यम से व्याख्या करते हुए इस रागनी को सजा है। आप सभी ने सुन रखी है, बहुत पुरानी रागनी है। आई मास्टर जी क्या बताया, ए मेरी धोती लेकर तीतर उड़ गए, ओ छोरे ओ मेरी धोती लेकर तीतर उड़ गए, और मैं देख तमाशा दंग हो गया, आँख मीच ले दमयंती में कतियो भाया नंगे हो गया, रे कतियो भाया नंगे हो गया, मेरी धोती लेके तीतर उड़ गए, धोती लेके तीतर उड़ गए, देख तमाशा दंग हो गया, आँख मीच ले दमयंती में कतियो भाया नंगे हो गया, हो कतियो पता नहीं पर समझनी आके बत्ता से हो समझनी
पत्थर लेकर के उठ गए हैं, लेकिन मुझे कुछ यत्न बताइए कि अब मैं आगे क्या करूं। और अगर तेरे पिता को ये खबर पहुंचेगी कि आज राजा नल और मेरी बेटी दमयंती इस हालत में है, तो मेरा मरना हो जाएगा। आज मेरे जितने भी महल हवेली थे सबके ताड़े बंद हो चुके हैं रानी दमयंती। चौथी और अंतिम बात में दादा लक्ष्मीचंद जी ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, और जितने भी हमारे बुजुर्ग श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा रागनी के शब्द दादा समझ में आ रहे हैं? एक बार ताली बजा दो आशीर्वाद के रूप में। धन्यवाद। चौथी और अंतिम कली मास्टर जी क्या लिख दिया?